हेलो स्टूडेंट्स मैसेफ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स स्टूडेंट्स आज हमें क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 53 करना है तो देखिए 51 में क्या लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर ओवर रेशियो वेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज गिवेन ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके देखिए सेल्स दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एक फॉर्मुला मैंने आपको बताया था ना तो उस फॉर्मुले से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन सेल्स पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक तो यहाँ पे कैश सेल्स दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है एंड रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है हमने किसी को सामान बेचा कंपनी से सामान बाहर गया और फिर अगर उसने रिटर्न कर दिया तो वापस से सामान आ गया ना तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं समझ में आया तो क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स इन दोनों को ऐड करेंगे एंड रिटर्न इन वार्ड को हम माइनस कर देंगे कैश सेल्स था वन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस क्रेडिट सेल्स था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस रिटर्न इन 25,000, ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख फिफ्टी प्लस टू लैख फिफ्टी येगा फोर लैख माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड येगा थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेल्स हमने कैलकुलेट कर लिया उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ट्वेंटी परसेंट दिया हुआ है ना तो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है तो ध्यान दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट या तो सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है या तो कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है ओके okay? जब कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है तो क्वेश्चन में आपके गिवन होता है कि कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है बट अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि सेल्स पे कैलकुलेट करना है या फिर या फिर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है तो हम ये समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे कैलकुलेट करना है मतलब सेल्स अमाउंट पे 20 परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसमें से 20 परसेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट को या तो सेल्स पे कैलकुलेट किया जाता है या तो कॉस्ट पे ओके बट क्वेश्चन में जब सेल्स या कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करना है ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम समझते हैं कि सेल्स पे कैलकुलेट करना है उसे ओके okay? यहाँ पे टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेल्स में से रिटर्न इन को माइनस करने के बाद हम उसपे कैलकुलेट करेंगे तो थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इन टू ट्वेंटी अपॉन वन हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे टू फाइव जो टेन टू सेवन जे फोर्टीन वन फिफ्टीन टू थ्री जे सिक्स वन सेवन हो जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट आया सेवेंटी फाइव थाउजेंड एंड सेल्स आया थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स कितना दिया हुआ थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आया सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा थ्री लैख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया हमारा थ्री लैख इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ना ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू यहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि इन्वेंट्री को ही स्टॉक कहते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड अपॉन टू कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव हो जाएगा सिक्सटी अपॉन टू इसे डिवाइड करिए ये हो जाएगा थर्टी थाउजेंड एवरेज इन्वेंट्री आया थर्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया था थ्री लैख इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू थ्री लैख अपॉन थर्टी थाउजेंड थ्री थ्री टर्न सा थर्टी ये हो गया टेन टाइम्स चेक करेंगे फिफ्टी वन का टेन टाइम्स हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हमने कंप्लीट कर लिया हम फिफ्टी टू करेंगे क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेट दी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम दी फॉलोइंग ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया हुआ है टोटल सेल्स फाइव लैख ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40 परसेंट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स सेल्स पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसमें इन्वेंट्री रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए हमें सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू सेल्स आपके क्वेश्चन में गिवेन है फाइव लैख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स कहते हैं ये देखिए यहाँ फाइव लैख साफ साफ दिया हुआ है अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू फाइव लैख पे कैलकुलेट करना था फाइव लैख इंटू फोर्टी अपॉन हंड्रेड ये आया टू लैख ग्रॉस प्रॉफिट आया टू लैख अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना तो सेल्स आया था फाइव लैख एंड ग्रॉस प्रॉफिट आया था टू लैख ये हो जाएगा थ्री लैख उसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिफ्टी फोर थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड प्लस सिक्सटी सिक्स थाउजेंड अपॉन टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अपॉन टू डिवाइड करिए हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड एवरेज इन्वेंट्री आया सिक्सटी थाउजेंड अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेश्यो रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थ्री लैख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री सिक्सटी थाउजेंड सिक्स वन जो सिक्स सिक्स फाइव जो थर्टी हो जाएगा फाइव इसका मतलब फाइव टाइम्स आंसर चेक करिए इन्वेंट्री ट्रन ओवर टाइम्स, ये हो गया अब हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी फाइव अपॉन फाइव डेज इन अयर अपॉन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज अपॉन फाइव 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 सेवन थर्टी फाइव और फाइव थ्री हो गया सेवनटी थ्री डेज ये भी हो गया हमारा आंसर चेक करिए एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री सेवेंटी थ्री डेज फिफ्टी टू भी हमने कंप्लीट कर लिया फिफ्टी थ्री देख लीजिए कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया हुआ एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मैंने आपको बताया था ना ग्रॉस प्रॉफिट को या तो सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं या तो कॉस्ट पे तो यहाँ पे कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है ओके okay? एंड ये सेल्स दिया हुआ है तो कॉस्ट अमाउंट कहां से लाएंगे तो लाने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको बताऊंगी कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेल्स दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में थ्री लैख ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू थ्री लैख इन टू जब भी ऑन कॉस्ट लिखा हो तो हंड्रेड में हम रेट को एड कर लेते हैं। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट है ना तो ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी ऑन कॉस्ट पे हम हंड्रेड में रेट को एड कर लेते हैं ऑन सेल्स पे हम डायरेक्ट हंड्रेड से डिवाइड करते हैं बट ऑन कॉस्ट पे हंड्रेड में रेट को एड कर लेते हैं इसे कैलकुलेट करिए टू वन जो टू टू सिक्स ट्वेल्व सिक्स वन जो सिक्स फाइव जो थर्टी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया फिफ्टी थाउजेंड अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू थ्री लैख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट थ्री लैख माइनस फिफ्टी थाउजेंड ये हो जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड गुड्स का कॉस्ट था एंड रेवेन्यू था उसका थ्री लैख समझ में आ रहा है ये वाला इक्वेशन आपको मतलब टोटल गुड्स टू लैख फिफ्टी थाउजेंड के थे जो कि बिके थ्री लैख में तो फिफ्टी थाउजेंड का कंपनी को प्रॉफिट हुआ समझ में आया अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ फोर्टी टू फाइव हंड्रेड क्लोजिंग स्टॉक थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड फोर्टी टू फाइव हंड्रेड प्लस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड अपॉन टू एट्टी थाउजेंड अपॉन टू ये हो रहा है डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड अब हम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फोर्टी थाउजेंड फोर वन जा फोर फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर टू जा एट फोर फाइव जा ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव हो जाएगा ये सिक्स पॉइंट टू फाइव टाइम्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री भी हमने कंप्लीट कर लिया सिक्स पॉइंट टू फाइव टाइम्स सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर वो भी बहुत ही ईजी है So if you like my video, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.